आगे फिर प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर के कार्यकारिणी का गठन करेंगे, उनके तमाम इकाइयों का भी गठन करेंगे। साथ के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आप इस्तीफा देते हैं। जी हाँ, हमने इस्तीफा दिया है और हमारे माननीय अशोक कुमार। साथ के साथ देखा जाए अभी फिलहाल में जो भी युवा को लेकर सामने आ रहा था कि पार्टी गठबंधन को लेकर कुछ मुद्दे जो सामने आ रहे थे, तो उसको लेकर क्या आप पूरी तरह से उसको अभी गठबंधन की बात तो चुनाव के समय, अभी तो काम कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और जब मजबूत हो जाएंगे तो सब पार्टी गठबंधन करेंगे। साथ के साथ अगर देखा जाए तो स्वर्णों की आवाज़ को लेकर पूरी तरह से आप जब से संगठन था और आज भी आप पूरी तरह से फोकस करते रहते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में भी पार्टी पूरी तरह से उस बुलंदियों को छूती रहेगी, साथ के साथ स्वर्ण समाज की हित की बात करती रहेगी? निश्चित रूप से हम सभी समाज के हितों की बात करते हैं, साथ साथ स्वर्ण समाज के हितों की बात करेंगे। हमारा मुद्दा भी है, हम लोग रथ पैदल यात्रा भी निकालने वाले हैं, पद यात्रा तमाम जिलों में, कि जिस प्रकार से पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, उसी प्रकार से सवर्ण आयोग का भी गठन हो और उसे संविधान के। साथ के साथ सरकार को लिया जाए तो विशेष करके महंगाई जो पूरी तरह से बुलंदी छू रहा है, स्थिति देखा जाए तो डीजल पेट्रोल को लिया जाए तो डीजल पेट्रोल तो पूरी तरह से फोकस था, तब तक जो करू तेल और रिफाइन था पूरी तरह से आसमान छू रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ है आपका सोच है कि आने वाले दिनों में? सोच क्या है, हम लोग तो सड़क पे घूमते हैं और गाड़ियों से घूमते हैं, उसमें डीजल लगती है, 1500 रुपये में डीजल भरवाते हैं तो 15 लीटर भी डीजल नहीं होता, और क्या होता, और इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी। यही लोग कांग्रेस के शासनकाल में सड़क पर आकर धरना दे रहे थे कि महंगाई आसमान छू रही, तब डीजल 15 रुपये, 50 रुपये और 40 रुपये लीटर, और आज 100 रुपये लीटर हो गए तब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। सरसों तेल की बात करें, जो करू तेल आप बात कर रहे हैं, आज तक कभी सुना था आपने 200 रुपये लीटर सरसों तेल? तो ये तो डायरेक्ट जनता का खून चूस रहे हैं, जेब से पैसा नहीं ले रहे, खून चूस रहे, और ये खून चूसने वाली सरकार है, इन पर तो देश की जनता को सोचना चाहिए, जितना जल्दी ये लोग देश से हटे, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर दे। सरकार का एक गाइडलाइन जैसे यूपी में पूरी तरह से जनसंख्या निमंत्रण को लेकर जारी हुआ, उसके बीच में आपका एक स्टेटमेंट आया है कि सबसे पहले आरक्षण पर बात होना चाहिए साथ के साथ, उसके बाद जनसंख्या निमंत्रण। जनसंख्या तो खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा यदि आरक्षण को नियंत्रित कर लेते हैं, उसकी समीक्षा कर लेते हैं, सुधार कर। साथ के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी आपका कुछ सोच है कि आने वाले दिनों में हम वहाँ पे विस्तार पूरी तरह से पार्टी का होगा? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, पहले बिहार में हम लोग गठन करेंगे। कसम की बात करेंगे।